the Dawn Express, Aina Sashka. जाने माने स्वतंत्रता सेनानी व आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुण्यतिथि पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने अपने कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कपिल यादव, अमन कुमार व अजय कुमार ने भी अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर विद्रोही ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देश की आज़ादी की लड़ाई में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आज़ादी की लड़ाई में वे अनेक बार जेल भी गए। वहीं देश के आज़ाद होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री के रूप में देश में शिक्षा का ढांचा खड़ा करने व देश में शिक्षा के विस्तार में उनकी उल्लेखनीय भूमिका रही। वे धर्मनिरपेक्षता व सामाजिक सद्भाव एवं विभिन्न समुदायों के बीच आपसी भाईचारा रखने में विश्वास करने वाले नेता थे। विद्रोही ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे राष्ट्रवादी व देश प्रेमी धर्मनिरपेक्ष नेता के पुण्यतिथि पर पूरा राष्ट्र उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करके इस महान स्वतंत्रता सेनानी व शिक्षाविद के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहा है। साथ ही वेद प्रकाश विद्रोही ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवन संगनी कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें भी अपने कार्यालय में श्रद्धांजलि देकर सत सत नमन किया। विद्रोही ने कहा कि कस्तूरबा गांधी स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थी, कई बार जेल गई और महात्मा गांधी द्वारा आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व करने की भूमिका में उनका अमूल्य योगदान था। कस्तूरबा गांधी ने आज़ादी आंदोलन के दौरान जिस तरह अपनी गृहस्थी चलाई, सत्याग्रहियों की मदद की, वह अपने आप में प्रेरणादायक है। विद्रोही ने कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि पर सत सत नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र उनकी त्याग में भूमिका से सदैव प्रेरणा लेता रहेगा।